नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्रिकेट के रोमांच को बढ़ाने वाले आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत 29 मार्च से हो जाएगी, जहां पर सभी की नजर पिछली बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस और रनर अप चेन्नई सुपर किंग्स पर होंगी, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच ही पहला मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन कुछ दिनों से चेन्नई की टीम सुर्खियों में है, क्योंकि धोनी मैदान पर उतर चुके हैं, साथ ही चेन्नई टीम के कई और खिलाड़ी भी मैच प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतर गए हैं। लेकिन जब आपका सबसे चहेता खिलाड़ी आपको काफी दिनों बाद मिलता है तो नजारा कैसा होता है, ये इस तस्वीर से साफ समझा जा सकता है। तस्वीर दो दोस्तों की है, तस्वीर दो साथी खिलाड़ियों की है, यह तस्वीर चेन्नई के कप्तान धोनी और टीम में उनके साथ सुरेश रैना की है। दरअसल लंबे समय बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे धोनी का उनके फैंस ने तो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया ही, साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स में उनकी टीम के साथी सुरेश रैना ने भी माही का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत भी ऐसा जैसा कि दो दोस्त, दो बिछड़े हुए दोस्त कई सालों बाद मिले हों, बरसों बाद मिले हों, ऐसी वो तस्वीर और बहुत भावुक तस्वीर वो थी। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, जरा देख लीजिए। आपको इस तस्वीर को देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कितना भावनात्मक रिश्ता है सुरेश रैना और धोनी के बीच। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ बोल रही है, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। सुरेश रैना धोनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, धोनी सुरेश रैना के लिए कितने इंपॉर्टेंट, दोनों की आपसी तालमेल कैसा है, वो इस तस्वीर में देखकर साफ समझा जा सकता है दोनों कितना एक दूसरे के करीब है। इन दोनों का वीडियो चेन्नई सुपर किंग्स ने पोस्ट किया है, जिसमें सुरेश रैना दीवार पर लगी तस्वीरों को देख रहे होते हैं। अचानक ही पीछे से एमएस धोनी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सुरेश रैना बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, राम और भरत का मिलन जब होता है, राम जी कैसे भरत को गले लगा लेते हैं, भरत कैसे राम को गले लगा लेते हैं, दोनों एक भावनात्मक रिश्ते से जुड़े होते हैं और दोनों को ऐसा महसूस होता है कितने सालों बाद, कितने बरसों बाद दोनों मिले हैं। ठीक वैसे ही कुछ तस्वीर यहाँ ऐसे भाव कम से कम इस तस्वीर में है, जैसे धोनी और रैना बिल्कुल भाई भाई हों, बहुत सालों से बिछड़े हों, अचानक मिले हों। कम से कम रैना की तरफ से तो उसी गर्मजोशी के साथ और उसी भावनात्मक रिश्ते के साथ, उसी टच के साथ धोनी को गले लगाया गया। और धोनी भी रैना की कई बार पीठ थपथपाते हैं, ये इस वीडियो में भी हमने देखा। मैदान में तो कई बार वो पीठ थपथपा ही चुके हैं, रैना को वो बहुत पसंद करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। इसी दौरान इस वीडियो में एक वो लम्हा भी है जब सुरेश रैना इस बात से बेखबर की वीडियो बन रहा है, ये जानते हुए भी कि लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, रैना को उससे फर्क नहीं पड़ा। अब धोनी से गले मिल लिए थे तो धोनी की गर्दन को भी वो चूम लेते हैं। टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना और एमएस धोनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि धोनी को उनके साथ ही खिलाड़ी कितना ज्यादा पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, उनसे कितने जुड़े हुए हैं, उनसे मिलने के लिए कितने बेताब रहते हैं, ये भी इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। साथ ही उनके साथी खिलाड़ी उनकी कितनी इज्जत करते हैं और खास तौर से रैना के साथ उनका कैसा रिश्ता है, ये इस वीडियो ने बता दिया है। भले ही अब साथ नहीं खेलते हों, आईपीएल में एक सीजन के लिए एक बार दो महीने तक साथ रहते हों, फिर अलग अलग हो जाते हों, धोनी रांची चले जाते हैं, रैना गाजियाबाद आ जाते हैं, दोनों बहुत दूर दूर हैं, लेकिन जब आईपीएल में फिर से साथ खेलने के लिए दोनों साथ में मिले और फिर जो जुड़ाव देखने को मिला इस तस्वीर में, ये अपने आप में बहुत कुछ ये तस्वीर कह गई। वैसे धोनी के साथ ही रैना ने हाल ही में धोनी के संन्यास पर बयान भी दिया था, कहा था कि टीम इंडिया को अभी भारत के दिग्गज विकेटकीपर की जरूरत है। वैसे आपको बता दें कि रैना का आईपीएल करियर बेहद शानदार रहा है और वो चेन्नई के एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। रैना चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं और आईपीएल के करियर में दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। अगर अभी तक के 12 सीजन को आप उठाकर देख लें तो सुरेश रैना रन बनाने के मामले में विराट कोहली से कुछ 100-200 रन ही दूर हैं, जिसको उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सीजन में वो फासला भी हो सकता है कम कर दें। हालांकि विराट भी रन बनाएंगे, लेकिन वो देखना होगा कि
कितना ज्यादा वो सक्सेसफुल हो पाते हैं विराट को पछाड़ने में, लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि रैना कितने बड़े प्लेयर है आईपीएल में। धोनी ने जहां आईपीएल में 190 मैचों में 42.20 की औसत और 137.85 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 4,432 रन धोनी के नाम है। वहीं रैना ने 193 मैचों में 33.34 की औसत और 137.14 की स्ट्राइक रेट से 5,368 रन बनाए हैं। वैसे अगर धोनी और रैना की दोस्ती की बात करें तो माना जाता है कि एक वक्त में धोनी ने रैना का बहुत सपोर्ट किया था, लगातार मौके दिए थे और रैना ने भी धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई थी। शायद धोनी के कामयाब कप्तान बनने के पीछे ये भी एक वजह थी, क्योंकि वो अपने साथी खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट करते थे, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते थे। शायद उस वजह से धोनी एक महान कप्तान बने। आपको धोनी और रैना की दोस्ती को लेकर क्या कहना है, कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस तस्वीर को देखकर आप क्या मानते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। इन दोनों की जुगलबंदी आपको कैसी लगती है इस पर भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। धोनी सर लुकिया है, धोनी सर प्लीज ना वीडियो करने बोला है 7-8 मिनट के नहीं मस्त मनोज मोबाइल किसका है इसीलिए उसका मनोज खराब हमें आपका आवाज यहाँ आएगा देखेगा स्टैंड भी रखा और बीच में रखे ना कैमरा टेढ़ा है और पॉज की बोला
अरे अभी बैग वाला बाबू कैसा लेट गया।